अक्सर मेरा एग्ज़ाम के दिन ही बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है मेरा खुद का जो कि लास्ट कल एग्ज़ाम था अब डिफेंस सेक्टर का जो भी एज था मेरा समाप्त हो गया अब उम्मीद नहीं है कि डिफेंस सेक्टर का मेरा फॉर्म भराएगा दोस्तों क्या हाल है कल मेरा एग्ज़ाम था सी आर पी एफ हेड कॉन्स्टेबल जो कि हो गया और अक्सर मेरा एग्ज़ाम के दिन ही बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है हालाँकि मेरा कल पेपर था बहुत ज़्यादा तबीयत भी खराब हो गया तो चलिए दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि सी आर पी एफ़ हेड कॉन्स्टेबल का आंसर कि कब तक आएगा रिजल्ट कब तक आएगा हालांकि पिछले बार मेरा जो कि सी आर पी एफ हेड कांस्टेबल है हमने इसमें टाइपिंग में छट गए थे तो बात करेंगे थोड़ा अनुभव भी है और एग्जाम अगर आप लोग भी नए नए हैं तो एग्जाम में क्या क्या करना चाहिए एग्जाम में क्या क्या लेके जाना चाहिए एग्जाम से पहले कितना देर जाना चाहिए तो सारा चीज़ हम बात करेंगे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आपको बता देते हैं कि मेरा खुद का जो कि लास्ट कल एग्ज़ाम था अब डिफेंस सेक्टर का जो भी एज था मेरा समाप्त हो गया अब उम्मीद नहीं है कि डिफेंस सेक्टर का मेरा फॉर्म भराएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो देखिए मेरा नाम है इमिश त्याग आप देख रहे हैं ब्यूटी एनी चैनल आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे और आपके बीच जो है संपर्क बना रहे ठीक है तो देखिए आप लोग भी अगर जाइएगा एग्जाम सेंटर में तो सबसे पहले आप ना एग्ज़ाम सेंटर रिपोर्टिंग टाइम से पहले आधा से घंटा पहले पहुँच जाए क्योंकि हम कल देख रहे थे बहुत सारे नए लोगों को उसमें एकदम भगदर मच जाता है कोई भी चीज़ उसमें छूट जाता है तो देखते हैं कि वह भगदर मच जाता है तो इस तरह का आपके साथ ना हो तो आप एक घंटा से आधा घंटा पहले आपने सेंटर पहुँचे और कभी भी आप अपने सेंटर पर जाए तो कम से कम दो प्रूफ जरूर ले जाए और आपको बताते हैं कि आधार कार्ड जो ओरिजिनल है कैसे पहुँचाने को ओरिजिनल है तो सबसे पहले आपको हम बता हैं कि आधार कार्ड ना आप सिंपल पचास रुपया वाला पी कार्ड ऑर्डर करवा लीजिए ठीक है कल हम देखे सेंटर पे कि वो जो स्कैनिंग वाला होता है जो साइबर कैम्प से निकलवा लेते हैं पचास रुपये में स्कैन करके वह जो कि वहाँ पर मान्य नहीं है उसे एंट्री नहीं करने देता तो बहुत सारा मतलब जितना सेंटर पर था वहाँ एक से दो परसेंट वैसा व्यक्ति था जो कि उसको निकाल दिया जा रहा था मतलब बहुत वह छटपटा अच्छा के रह जाता था और बहुत दूर दूर से आया था तो वो डॉक्यूमेंट मतलब नहीं ले जा पा रहा था तो इस तरह से छट जाता है तो अपने साथ कम से कम दो प्रूफ रखें और आधार कार्ड का जो पी बी सी आप ऑर्डर करवा लीजिए ले उसको लेके जाइए और पेन कार्ड और पेन कार्ड नहीं तो डी एल ले लीजिए कम से कम दो प्रूफ और दो प्रूफ में आप दो प्रूफ नहीं है तो आप अपने साथ मार्कशीट या दसवा का सर्टिफिकेट जरूर रख ले क्योंकि वह भी उससे भी इंट्री आपको मिल जाएगा तो देखिए आपको बता दें कि जब एग्ज़ाम हॉल में घुसिएगा तो क्या होता है देखिए एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले आप घबराइएगा नहीं ठीक है और एग्ज़ाम शुरू होने से पहले या एग्ज़ाम देने से पहले आप लोग क्या कीजिए घर पे जरूर प्रैक्टिस लगा लीजिए क्योंकि आपका घर का ही प्रैक्टिस वहाँ पे बहुत काम आता है ठीक है मान लीजिए कि वहाँ पे गए और क्वेश्चन देख के घबराने लगे तो क्या होता है ना कि आप कभी बार प्रैक्टिस नहीं लगा हुईगा तो उसमें माउस आपको संभाल में नहीं आएगा कौन सा क्वेश्चन कैसे टिक करे आगे कैसे बढ़े क्वेश्चन सबमिट करिए सब बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि नए स्टूडेंटों के साथ वो बार बार भिक्षक से क्वेश्चन करते रहता है बार बार अपने जो भी उसमें इन्विजिलेटर है उसे क्वेश्चन करते रहता है बार बार पूछता रहता है तो इस तरह से आपको परेशानी ना हो तो उससे लिए, उसके लिए आपको बताते हैं कि टेक्स्ट बुक हो गया चाहे किसी भी प्लेटफार्म का आप एक दो जरूर प्रैक्टिस सेट लगा लें हालाँकि हम तो कहेंगे कि आप जो भी तैयारी करें उसका प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू मारिए इससे आप में कॉन्फिडेंस और जो कि अच्छा खासा नंबर भी आने लगेगा अच्छा खासा आपकी तैयारी भी हो जाएगा तो इस तरह से आप लोग इसको तैयारी कर लीजिएगा ठीक है कल मेरे साथ ये हुआ कि कल हमने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा था अपने एडमिट कार्ड आप लोग भी जब एग्ज़ाम में जाइएगा तो नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि उसमें कल मांगा था जो कि प्रिंटेड सर्टिफिकेट रंगीन ठीक है कल हम व्हाइट वाला ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा के गए और वहाँ पे जो कि मुझे नहीं एंट्री दिया तो थोड़ा सा दिक्कत होने लगा तो हम फट से गए वहाँ पे एक प्रिंट यानी पाँच रुपया के जहाँ पर पंद्रह रुपया लेके मतलब तो दो एडमिट कार्ड निकलवाया तीस रुपया में तो इस तरह से गलती आप लोग नहीं कीजिएगा जो भी एडमिट कार्ड हो उसका नोटिफिकेशन आप लोग अच्छा से पढ़ लीजिएगा उसमें सारा चीज मेंशन रहता है कि क्या दो फोटो लाना है कितना दो प्रूफ लेके आना है उसके बाद आपको बता देते हैं कि किस तरह का एडमिट कार्ड हो उसमें के साथ साथ क्या हो वह सब लेके जाइए ताकि आपको परेशानी ना हो तो इसमें हम लोग बात करने वाला है कि इसके आंसर की कब तक आ जाएगा देखिए इसके आंसर की लगभग पंद्रह से बीस दिन के अंदर में आ जाएगा क्योंकि इसमें जो टोटल पोस्ट था तेरह था और इसमें इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाता है है क्योंकि पिछले बार जो मेरा था ना हम टाइपिंग में छट गए थे और इसका रिजल्ट आप लोग घबराइए नहीं चालीस से पैतालीस भी सही होगा तब भी रिजल्ट आ जाएगा हालांकि मेरा पिछले बार हम बहुत कम तैयारी किए थे जितना उसमें मांगता था कि हाँ चालीस परसेंट या पैंतीस परसेंट आपका सही होगा तो आपको ए, टाइपिंग के लिए बुला लिया जाएगा तो पिछले बार मेरा टाइपिंग के लिए बुला बुला लिया गया था मेरा लगभग पचास से पचपन गो के या साठ गो के आसपास सही था मेरिट बनने लायक नहीं था लेकिन फिर भी सही था और हमने टाइपिंग में छट गया तो आप लोग भी घबराइए नहीं आपका रिजल्ट अगर थोड़ा बहुत भी तैयार की होइएगा तो आपका रिजल्ट बनेगा टाइपिंग में बुलाएगा के लिए घबराइए नहीं जैसे ही आएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हम अपडेट आप आपको देते रहेंगे तो चाहे दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे आपसे मिनट तब तक देखते हैं सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कीजिए